हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट, स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक दोहरी सुरंग तैयार, टीबीएम 2 ने पूरी की खुदाई, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे मेट्रो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि मंगलवार को राजधानी के मनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय पटना मेट्रो रेल की दोहरी सुरंग तैयार हो चुकी है। सुरंग की खुदाई कर रही दूसरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम 2 ने सफलतापूर्वक अपना काम पूरा कर लिया। मशीन मंगलवार को दीवार तोड़कर बाहर निकाली। बता दें कि टीबीएम 2 को दो इस सुरंग की खुदाई करने में करीब 10 माह का समय लग गया है। मैं बता दूं कि 10 माह में पूरा हुआ दूसरी सुरंग का निर्माण। 20 मार्च को पहली सुरंग का निर्माण हुआ था पूरा। मैं बता दूं कि राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय पटना मेट्रो रेल की दोहरी सुरंग बनाकर तैयार हो गया है। मैं बता दूं कि सुरंग की खुदाई कर रही दूसरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम 2 ने मंगलवार को सफलतापूर्वक अपना सफर पूरा किया और दीवार तोड़कर बाहर निकल आई। मैं बता दूं कि टीबीएम 2 ने 1480 मीटर की सुरंग खोदने में करीब 10 माह का समय लिया। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी के अनुसार पटना मेट्रो रेल के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब मेट्रो अपने आने जाने के लिए दोहरी सुरंग की खुदाई हो गई है। 20 मार्च तक पहली सुरंग की खुदाई का काम हुआ था पूरा। मैं बता दूं कि पहली टीबीएम ने इस साल के 20 मार्च को स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक पहली सुरंग की खुदाई का काम पूरा कर दिया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि डीएमआरसी के सलाहकार विशिष्ट कार्य को जो डायरेक्टर है उन्होंने माना है। अगले चरण में अब पटना विश्वविद्यालय से पीएमसी होते हुए गांधी मैदान तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खुदाई काम शुरू हो गया। अगले माह तक यह प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके लिए विश्वविद्यालय से बाहर निकलने वाले टीबीएम को फिर से रीलॉन्चिंग की जाएगी। मैं बता दूं कि घनी आबादी में आसानी नहीं है। खुदाई डीएमआरसी के अनुसार घनी आबादी वाले इलाकों के लिए नीचे से पट्टा मेट्रो रेल सुरंग करना आसान नहीं। इसके लिए मेट्रो टीम ने सर्वे कर एक एक मकान को जायजा लिया। मैं बता दूं कि करीब 900 भवन और 100 बोरवेल की चुनौती को पार कर 10 माह में सुरंग की खुदाई का काम पूरा किया गया है। इस रूट पर दूसरी सुरंग की खुदाई का काम जुलाई में शुरू हुआ था। तो पटना मेट्रो का अभी जो काम है युद्ध स्तर पर चल रहा है, और ये कार्य कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।